कुमार सिन्हा के निर्देशन पे हमने दो टीम का गठन किया, जो मेरे द्वारा और साइबर डीएसपी नेहा वाला के द्वारा पिछले 9/2/2021 के रात से हम लोग 3-4 थाना क्षेत्र में हमने छापेमारी किया, जिसमें 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 18 मोबाइल, 27 सिम, पासबुक 1, ATM 8 और एक चार पहिया वाहन रिकवरी हुआ है। मुर्शेद अंसारी सारा थाना से कम संख्या 79/16 में अप्राथमिक अभियुक्त था, जो साइबर केस था, जिसमें वो जमानत पर मुक्त है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। देवघर जिला कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में और 3 काले कानून के खिलाफ राज्यव्यापी कार्यक्रम की सफलता के लिए एक बैठक किया। जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में कार्यक्रम के जिला पर्यवेक्षक सतीश केडिया और मदन महतो मौजूद थे। बैठक में जिला पर्यवेक्षकों ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में राज्यव्यापी कार्यक्रम आहूत की गई है। 10 फरवरी को सभी प्रखंड व नगर में किसान सम्मेलन व गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और 13 फरवरी को मोहनपुर प्रखंड के बलिया चौकी से वीर कुंवर सिंह चौक तक सैकड़ों किसान पार्टी नेता और कार्यकर्ता के द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी। 20 फरवरी को हजारीबाग में विशाल ट्रैक्टर महारैली के जरिए इसका समापन किया जाएगा। देवघर से अवनीश। क्या ये इस पार्टी के प्रधानमंत्री, इस पार्टी के नेता, जो कि अंबानी अडानी की तरह के कॉर्पोरेट्स के आप कह सकते हैं परजीवी पार्टी, क्योंकि वो उनके वजह से, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके बल पे वो सत्ता पे आई और आज उनके सारे जो कानून हैं वो कहीं ना कहीं उसी कॉर्पोरेट घराने को रख के उनके हित को देखते हुए आ रही है। और यहाँ लाखों करोड़ों किसान मजदूर जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनके समर्थन में खड़े हैं और उसका वो उपहास उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र के लिए जब लोग आंदोलनकारी को, जिस आंदोलन के बल पे हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो शायद बीजेपी के लोग इस आंदोलन के दर्द को, इस आंदोलन के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।